हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइज, इन दिस वीडियो हम बातचीत करने वाले हैं द हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस के ऊपर बातचीत करेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। इसमें कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जहाँ पर हम लोग स्टैटिक्स पोर्शन को भी कवर करने वाले हैं। तो क्या है आज का टॉप न्यूज़ वो देख लेते हैं। तो गाइज, हेडलाइन न्यूज़ आज कुछ भी नहीं है। अगेन, यहाँ पे सबसे पहले हम देखने वाले हैं इन्फ्लेशन। देखो, इन्फ्लेशन के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, कौन कौन से कारणों से इन्फ्लेशन आता है, ठीक है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या सरकारें करती हैं, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है मार्केट के ऊपर, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बायोफर्टिलाइजर्स के ऊपर, ठीक है ना। तो ये तमाम आज क्या क्या बात होने वाली है, तो पहला न्यूज़ ये, दूसरा न्यूज़ ये, दो न्यूज़ हो गया मेरे पास फ्रंट न्यूज़, ठीक है ना, जो फ्रंट पेज पे है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये वाला थोड़ा सा बहुत ही बेकार और घटिया आप कह सकते हो कि इस देश को हुआ क्या है, ठीक है ना, जहाँ देखो धुआं धुआं है। तो यहीं पे आप कह सकते हो कि गाइस, ये वाला चीज़ वाकई में बिल्कुल भी सही नहीं है हमारे देश के लिए, क्योंकि इस तरीके की घटनाएँ जब तक घटती रहेंगी, ठीक है ना, तो हम अपने नेशंस को कैसे ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं यार, कैसे कह सकते हैं कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा सभ्य है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं जो कि सही नहीं है। जिसके साथ घट रही हैं उनको पूरा लाइफ इन सारे चीज़ों से सफ़र करना पड़ता है, डेट्स वाई ये सही नहीं है गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे न्यूज़। देखो, इस पर हम बातचीत करने वाले हैं, इसके ऊपर बहुत सारे मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, सेपरेट वीडियो बना करके दूंगा इसके लिए, और ये दोपहर तक लॉन्च होगा वीडियो। और इसमें हम बातचीत करने वाले हैं, क्या यूपीएससी सीएससी फिर से रिजल्ट जारी करेगी, और जो रिजल्ट उन्होंने जारी किया है क्या वो रिजेक्ट होने वाला है या फिर से नया कुछ ऐड होने वाला है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी बातें हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का क्या कहना है, जो ट्रिब्यूनल बैठा है उसके ऊपर क्या कहना है, आयोग का क्या कहना है, बच्चों का क्या डिमांड है, जो बच्चों की तरफ से जो एडवोकेट हैं जो इस चीज़ को लड़ रहे हैं, इसके पीछे वो उन लोगों का क्या डिमांड है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, डेट्स वाई ये एक सेपरेट वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है न्यूज़। तो हमने दो न्यूज़ अभी तक देखे हैं। कल हमने आपके साथ बातचीत किया था UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बातचीत किया था, और हमने आपको पूरे पॉइंट समझाने की कोशिश की थी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पॉइंट नंबर ये आपका आज तीसरा ये हो गया, आज के न्यूज़ में ये थर्ड है। और कौन कौन से ऐसे पार्टी हैं, कौन कौन से ऐसे दल हैं जो इस लॉ का अपोज कर रहे हैं, और आखिरकार क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इस कारण को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये फोर्थ है, क्योंकि ये आपको एसी वगैरह में लिखने में काम आ जाएगा कि क्यों लोग, क्यों पार्टियाँ अपोज करती हैं, क्यों वो डिमांड करती हैं कि हाँ ठीक है कि हमें कुछ और चाहिए, ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सा और न्यूज़ है जो जिसका हम लोग कवरेज कर सकते हैं। देखो गाइज, दो आपके पास, देखो बहुत सारे एक बार में एडिटोरियल पढ़ने का टाइम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, और हो भी तो नहीं करना चाहिए, कम से कम दो एडिटोरियल आपको करना चाहिए विद इन 30 मिनट में, और 15-15 से 20-20 मिनट टाइम दो, 40 मिनट में दो एडिटोरियल करो, ठीक है ना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एडिटोरियल को थोड़े समझने के लिए आपको बहुत सारे वो काम करने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा एडिटोरियल वाले पार्ट में हम बात कर लेते हैं कि आज का एडिटोरियल कौन सा इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो पहला ये है, ये इस एडिटोरियल पे हम बात करेंगे, ठीक है ना, बात करेंगे कि मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी क्लियरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है ना, ये क्या है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। दूसरा देखो, पहला एडिटोरियल ये है जिसको आपको पढ़ना है, और दूसरा एडिटोरियल ये है, बहुत ही प्यारा एडिटोरियल है ये, महालनोबिस इन एरा ऑफ बिग डाटा एंड AI, बहुत गाइज इम्पोर्टेंट है, और बिग डाटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और एडिटोरियल है, अगर मन करे तो इसको पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगा, खास करके AC वगैरह जब आप लिखोगे उसमें, क्योंकि यहाँ से डेटा वगैरह मिल जाएगा जिसका कोटेशन करने में आपको फायदा होने वाला है। उसके बाद हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी बातचीत करेंगे।
यहाँ पे बातचीत का किया जा रहा है कि हाँ भैया अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है इंडिया में, तो इस चीज़ के ऊपर बातचीत करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेरोजगारी किसे कहते हैं, और आपके इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। कॉन्टेस्ट और टेस्ट में हम देख लेते हैं, तो चेंजिंग द इकोनॉमिक ऑफ रूरल वेस्ट बंगाल, ये एक क्षेत्रीय आधार पे इसको एनालिसिस करके डाला गया है। हालांकि आपको बहुत जानकारी मिल सकता है कि अगर यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट आगे बढ़ाया जा रहा है, तो इसी तरीके से प्रयोग अगर इंडिया के हर पार्ट में किया जाए तो वो डेवलपमेंट किया जा सकता है। सावरकर जी के बारे में आपको पढ़ना है, हिस्ट्री से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में है, क्यों न्यूज़ में है, क्या कारण है, ये सब उतना ज़्यादा आवश्यक नहीं है, बट आपको ये पढ़ना चाहिए कि वीर सावरकर जी के बारे में आपको एक बार पढ़ लेना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या हेडलाइन, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। अब आगे हम देखते हैं, देखो जो कुकी वहाँ पे मणिपुर जो चल रहा था, मणिपुर में जो इंसर्जेंसी चल रही थी, जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे, ठीक है ना, उसके ऊपर कहा जा रहा है कि देखो ऐसा है कि पुलिस ने कहा है कि यहाँ पे अब FIR एक भी नहीं हो पाया है, एक भी FIR नहीं हुआ है, यहाँ पे शांति कायम हो चुकी है, इस तरीके की बातें की जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिट करते हैं यूएस को, और वो कहते हैं कि भैया जयशंकर महोदय कहते हैं कि ये काफ़ी प्रोडक्टिव विजिट रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या है इन्फॉर्मेशन, तो एक चीज़ और देख लेना यहाँ पे, ये वाला गाइस इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये देखो सेंटर प्लान कर रही है मार्केट स्कीम टू प्रमोट सस्टेनेबल लिविंग, इस यहाँ पे ये फॉरेस्टेशन के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये फॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, तमाम चीज़ों के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है ना। और आज के पूरे न्यूज़पेपर में तो यही सारे हैं आर्टिकल जिसको आपको पढ़ने हैं, और मैं आपको काउंट करवा दूँ कि ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। अब आइए एक एक करके हम शुरू करते हैं इन न्यूज़ को, ठीक है ना। अब एक एक करके न्यूज़ को शुरू करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, तो पेज नंबर 1 पे आ जाते हैं, जिसका कुछ पार्ट आपको अदर पेज पे भी देखने को मिलेगा, अदर पेज कहने का सेंस है कि 10 नंबर पेज पे देखने को मिलेगा, लेकिन हम यही भी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आज का जो मेन हेडलाइन टॉपिक हम देखते हैं इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन के ऊपर बातचीत करते हैं गाइस, कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, ठीक है ना, महंगाई बढ़ने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, महंगाई आने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, और इन्फ्लेशन के टाइप कितने हैं, मेजरमेंट इसका कैसे किया जा सकता है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, और इसका इम्पैक्ट या इफेक्ट कैसे कैसे पड़ता है और किन किन पे पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में बात कर लेते हैं, यूज न्यूज़ में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यही वाला पेज ले लेते हैं गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए, और चलो यहाँ पे बातचीत करते हैं। ये द हिंदू का एनालिसिस है, और आई होप कि आपके पास द हिंदू आता होगा और ये चीज़ें आप कर ले जाओगे। तो गाइस हम देखते हैं इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में देखते हैं कि पहले महंगाई क्या होता है, ठीक है ना, और इन्फ्लेशन आता कैसे है, ठीक है। तो पहले हम इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं और फिर आगे हम बढ़ते हैं, और इसमें सबसे पहले क्या क्या हम लोग करने वाले हैं वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे सबसे पहले आपको, इसको इन्फ्लेशन की परिभाषा जो लोग नहीं जानते होंगे उन लोगों को मैं बता दूं कि कोई भी अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना, किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर एक निश्चित टाइम में, ठीक है ना, एक निश्चित टाइम में फिक्स टाइम में के अंतर्गत अगर महंगाई बढ़ता है किसका, वस्तु और सेवा का, ठीक है ना, तो उसे हम महंगाई कहते हैं। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ आप सभी के लिए कि अगर कोई अर्थव्यवस्था है और एक निश्चित समय अवधि में, ठीक है ना, वस्तु और सेवा का दाम, ठीक है ना, मार्केट में बढ़ता है तो उसे हम महंगाई कहते हैं, ठीक है, समझ गए गाइस। अब महंगाई के कारण क्या क्या है उस चीज़ को हम जान लेते हैं। तो महंगाई क्या है कि निश्चित टाइम होना चाहिए, फिक्स टाइम में होना चाहिए, नहीं कि आज 10 रुपये है कल 20 रुपये हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो निश्चित टाइम होना चाहिए, फिक्स टाइम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका रीज़न क्या है, रीज़न, ठीक है ना। तो गाइस इन्फ्लेशन आने के 3 रीज़न होते हैं। एक होता है आपका मांग जनित महंगाई, ठीक है ना, मांग जनित महंगाई, मांग जनित महंगाई यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन। पहला होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये कारण है। दूसरा कारण क्या है, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन यानी कि लागत जनित महंगाई, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन।
देखो गाइज, अगर आप यूपीएससी की तैयारी में प्रिपरेशन में नए नए हो तो ये सारे पॉइंट आप लोग इसको बना लेना, मैं यहीं पे आपका क्लियर करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। और थर्ड वन है गाइज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ढांचागत महंगाई, ठीक है ना। तो ये तीन कारण होते हैं, इन तीन कारणों की वजह से किसी भी वस्तु का दाम, ये वस्तु सेवा का दाम, देखो दोनों चीज होता है, वस्तु होता है यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवा, ठीक है ना। अगर ये तीन कारण ऐसे हैं जिसके वजह से आपका वस्तु और सेवा का दाम बढ़ता है मार्केट के अर्थव्यवस्था में, ठीक है ना। तो डिमांड पुल, डिमांड बढ़ जाए किसी भी सामान का, मान लो कि ये बेड है और ये बेड एक ही है, खरीदने वाले अगर 20 लोग हो जाए तो जाहिर सी बात है इसका डिमांड बढ़ गया है। वाह क्या बात है, पढ़ा भी रहा हूँ, एग्जाम्पल भी मिल गया, ओके। अब यहाँ पे देखो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, कॉस्ट पुल मीन्स लागत जनित महंगाई, मान लो कि इस बेड को बनाने में खर्च बहुत ज़्यादा आ जाए, ठीक है, तो भी इन्फ्लेशन आ सकता है। कैसे, अगर कॉस्ट पुल होगा कि देखो जिस चीज़ को बनाने में, जैसे कि मशीनरीज हो गया, लेबर हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको करने में, देखो जिसको बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च लगने लगे तो वो चीज़ का जाहिर सी बात है कि दाम इंक्रीज ही होकर होकर के बेचेगा, ऐसा तो है नहीं कि वो घाटे में बेचेंगे। और तीसरा स्ट्रक्चरल यानी कि ढांचागत महंगाई, कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम आ जाते हैं लाइक डेट की कोई क्लाइमेटी आ गया, जैसे कि केरला में फ्लड आया हुआ था या कहीं पर भी कोई, जैसे कि आप उत्तराखंड में फ्लड आ गया, तो जो नेचुरल क्लाइमेट है और नेचुरल फेनोमेना की वजह से, या कोविड के समय आप देख लो, तो ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से अगर अचानक से मार्केट में या तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि यूँ कहा जाए, देखो दो तीन चीज़ें और हैं स्ट्रक्चरल में, दो तीन चीज़ें हैं, या तो डिमांड कम हो जाए, ठीक है, या डिमांड बढ़ जाए तो भी इन्फ्लेशन आ सकता है। आप कहोगे कैसे सर, ये कैसे हो सकता है। एक होता है डिमांड, देखो सप्लाई चेन को एक बार समझो, सप्लाई चेन, और तब स्ट्रक्चरल को और अच्छे से समझ सकते हो। मान लो कि मिल्क है, ठीक है ना, मिल्क है और इसका डिमांड 20 पैकेट हुआ करता था, ठीक है, तो 20 पैकेट तो एवरीडे का है, लेकिन मान लो कि कोई कोविड है, कोरोना आ गया जिसकी वजह से मिल्क की सप्लाई रुक गई और 10 की जगह पे अब 10 ही पैकेट आ पा रहे हैं, तो समझ रहे हो ना, अब 10 पैकेट आ रहे हैं और 20 लोग कंज्यूम करने वाले हैं तो भी इन्फ्लेशन आएगा, समझ रहे हो ना। तो ये कारण है, तो ये तीन कारण है जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल महंगाई हो सकती है, इन्फ्लेशन आ सकता है। तो आई होप कि आपको रीजन समझ में आ गया होगा। अब रीजन जो कि आपको समझ में आ गया है तो अब हम और चीज़ समझ लेते हैं, ठीक है ना, और पॉइंट्स को समझ लेते हैं, और पॉइंट्स को समझ लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने इन्फ्लेशन देखे, इन्फ्लेशन के क्या कारण थे वो हमने देखा। तो गाइस एक बार फिर से, इन्फ्लेशन तीन रीजन है, कॉस्ट पुल, डिमांड पुल और स्ट्रक्चरल, ठीक है। उसके बाद हम बातचीत कर लेते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि इन्फ्लेशन का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, मेजरमेंट कैसे किया जाता है इन्फ्लेशन का, ठीक है ना। इन्फ्लेशन का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, तो दो है, एक WPI पे, होलसेल प्राइस इंडेक्स पे, और दूसरा है CPI पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, ठीक है ना। तो इन दोनों के ऊपर बातचीत हम करेंगे कि कैसे मेजरमेंट किया जाता है इन दोनों पे। उसके बाद कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए जाते हैं, तो कंट्रोल करने के लिए गाइस देखो टारगेट किया जाता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग किया जाता है, पहला तो ये है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, पहला ये है कंट्रोल करने के लिए। दूसरा ये है मॉनेटरी पॉलिसी, यू नो वेरी वेल गाइस मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी को मैं बता दूंगा मॉनेटरी पॉलिसी। और थर्ड वन है गाइस फिस्कल पॉलिसी, यू नो वेरी वेल गाइस, या नहीं जानते हैं तो भी कोई बात नहीं है, फिस्कल पॉलिसी। दो चीज़ें हैं, इसको गवर्नमेंट, इसको RBI बनाती है और ये गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है, ठीक है ना। UPSC में एक बार क्वेश्चन आया कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का काम सिर्फ RBI का होता है, सिर्फ गवर्नमेंट का होता है। और थर्ड वन था
कि आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों का होता है, समझ रहे हो ना। तो ये इतना सिंपल भी क्वेश्चन आ चुका है नहीं यूपीएससी में, तो ये इस बात को ध्यान देना। तो तीन चीजें हैं, तीन मैंने बताया। ये क्या है, ये गाइस क्या है, एक बार बताओ कोई। अभी मैंने क्या बोला, चलो कोई नहीं, मैं ही बता देता हूँ। ये कंट्रोलिंग स्टेप है, कंट्रोल करने का कंट्रोलिंग स्टेप है। तीन तरीके से कंट्रोल किया जाता है इन्फ्लेशन को, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी और उसके बाद फिस्कल पॉलिसी। ये तीन कारण, तीन माध्यम है जिससे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है ना, इफेक्ट क्या पड़ता है इन्फ्लेशन अगर आता है तो इफेक्ट क्या पड़ता है इन्वेस्टर के ऊपर। मान लो कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट लोग करना ज़्यादा पसंद करेंगे या कम करेंगे। इस क्वेश्चन का आप आंसर दो, तब तक मैं आगे लिखता हूँ, फिर मैं देता हूँ इसका आंसर। लेंडर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ पे इसका क्या असर आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ पे इसका क्या असर आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो जो डेप्टर है, जो ऋण लेने वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले यार तो मेरे को अगली बार से ना एक पेज ऐड करना पड़ेगा, ठीक है गाइज। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। थोड़ा सा और नीचे लेता हूँ इसको। अब हम लोग देख लेते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, पहले तो हमने रीज़न देखा, कारण देखा जो तीन है। उसके बाद हमने इन्फ्लेशन की मेजरमेंट के बारे में बात किया, ठीक है ना। उसके बाद कंट्रोलिंग स्टेप के ऊपर हमने बातचीत कर लिया है। अब हम बात करते हैं इफेक्ट के ऊपर भी बात कर लिया है कि किसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन कितने तरीके के होते हैं, ठीक है ना, इन्फ्लेशन कितने तरीके के होते हैं। तो पहले तो आप लिखना शुरू कर लो गाइस, बहुत सारे इन्फ्लेशन है, जैसे कि बोटल नेक है, बोटल नेक इन्फ्लेशन, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है कोर इन्फ्लेशन, उसके बाद आता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती हुई महंगाई, ठीक है ना। उसके बाद रनिंग इन्फ्लेशन। इतने इन्फ्लेशन बताऊंगा ना कि अभी आप तक सुने भी नहीं होंगे। गैलोपिंग इन्फ्लेशन, अभी आपने सुना होगा। हाइपर इन्फ्लेशन, ये तो सारे बच्चे जान रहे होंगे हाइपर इन्फ्लेशन, जिम्बाब्वे वाला कहा है। उसके बाद डिफ्लेशन, उसके बाद डिसइन्फ्लेशन, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं आपको बता दूं कि रिफ्लेशन, उसके बाद आता है स्कीपफ्लेशन। देखो मेरे पास जगह है नहीं, स्कीपफ्लेशन। उसके बाद आता है स्टैगफ्लेशन, उसके बाद आता है जीडीपी, ठीक है ना, इफेक्टर, ठीक है ना। तो इतने सारे इन्फ्लेशन के गाइस टाइप है, ठीक है। तो अब एक एक करके हम बातचीत करेंगे, लेकिन इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगने वाला है गाइस। तो इन्फ्लेशन का पूरा पार्ट ही कर लेंगे, ताकि आपका ये पूरा का पूरा इशू ही समाप्त हो जाए, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट है बायो फर्टिलाइजर्स के ऊपर बातचीत किया जा रहा है, और जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है उन्होंने अप्रूव कर दिया है, और इसका नाम दिया गया है पीएम प्राण, ठीक है ना। तो पीएम प्राण नाम दिया गया है, इसको याद रखना। और पीएम प्राण है PRANAM, प्रणाम, पीएम प्रणाम, प्रणाम है, पीएम प्रणाम है। और इसका फुल फॉर्म है, यहाँ पे देख लो गाइस, यहाँ पे फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट, ठीक है ना। तो ये सारे इसके नाम है, तो इसको एक बार, इसका पूरा फुल फॉर्म यहाँ से यहाँ तक है, इसको याद कर लेना। देखो बायो फर्टिलाइजर के बारे में बस एक बात कहता हूँ कि जितने भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ हैं या पदार्थ हैं, उसके माध्यम से फर्टिलाइजर बनाने की बातचीत किया जा रहा है। तो मैंने क्या बोला कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली जितने भी
चीजें होती हैं लाइक डेट, जो आप घर के जो वेस्टेज होते हैं, जो रोज मारिया के जीवन में, जैसे कि आपने मार्केट से सब्जी लाया, सब्जी को बनाया और उसके जो वेस्ट बच जाते हैं वो हो गया, या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो गया, या मार्केट में बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं जो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इन्वायरमेंट जो फ्रेंडली जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, इसके माध्यम से बायो फर्टिलाइजर बनाया जाएगा ताकि एग्रीकल्चर को और अच्छे से बूस्टअप किया जा सके। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है केमिकल्स डालने के बाद, या भूमि की जो उर्वरक क्षमता है वो कम हो जा रही है, इन तमाम चीज़ों को भी बायो फर्टिलाइजर के द्वारा बचाया जा सकता है। पहली बात तो ये है कि जो भी एग्रीकल्चरल वेस्टेज होते हैं उसके माध्यम से बायो फर्टिलाइजर बनाने की बातचीत चल रही है, और इस फर्टिलाइजर को फिर से एग्रीकल्चर में यूज किया जाएगा। जो भी फर्टिलाइजर पहले एग्रीकल्चर में यूज किया जाता था उससे क्या होता था कि लैंड की जो उर्वरक क्षमता होती है वो कम होती जा रही थी, और ऊपर से बहुत सारे ऐसे उसमें यूँ कहा जाए तो डिकम्पोजर ऐसे भी होते थे जो इन फर्टिलाइजर्स की वजह से मर जाते हैं, जिसकी वजह से भूमि को जो उर्वरक क्षमता मिलनी चाहिए, यानी कि अमोनिया वगैरह जो मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी खराब हो जा रहा था। तो ऐसा माना जा रहा है कि जब बायो फर्टिलाइजर का किसान यूज करेंगे तो एक तो सस्टेनेबल कृषि होना शुरू हो जाएगा, दूसरी तरफ से फर्टिलाइजर कृषि भी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप केमिकल्स वाले जो भी फ्रूट्स या सब्जियां खाते हैं तो उससे बहुत सारी बीमारियां भी होती है, यू नो वेरी वेल। तो जो भी प्रोडक्ट आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा शुद्ध होंगे, स्वच्छ होंगे, और इससे किसानों को भी बहुत सारे लाभ होंगे। तो यही सारी बातें कही जा रही है। तो पीएम प्रमाण क्या है, इसको एक बार आप लोग गूगल सर्च मारना, ठीक है ना। मैं यहाँ पे गूगल सर्च करने नहीं बैठ रहा, आप एक बार करके इसके सारे की पॉइंट वगैरह आप लोग एक बार लिख लेना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं गाइज, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगा, अब क्या है उसको कवर कर लेते हैं। देखो गाइज, मैंने आपको कल बताया था यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, और बताया था कि देखो लॉ जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका क्रिमिनल लॉ, एक होता है आपका सिविल लॉ। सिविल लॉ में जैसे कि तलाक का मुद्दा हो गया, शादी का मुद्दा हो गया, जमीनी मुद्दा हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिविल लॉ के अकॉर्डिंग आ जाता है। उसी में बात किया जाता है मैरिज एक्ट का, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है आपका सिविल एक्ट में। मैरिज का मुद्दा इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि शादी होना और उसको तलाक में परिवर्तन करना, यानी कि एक शादी लेना है और फिर डिवोर्स करना है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दो एक्ट से, ये एक्ट से मिल, मतलब कि हर एक रीजन। देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे और आपको क्लियर कर दूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्लियरिटी नहीं मिल रही। कि देखो लॉज दो तरीके के होते हैं गाइस, एक होता है आपका क्रिमिनल लॉ, एक होता है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ होता है जो हर रीजन, हर रिलीजन के लोगों पे लागू होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्धिस्ट हो, जो भी होते हैं सब पे ये लागू होता है क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ क्या होता है कि जितने भी रिलीजन है ना, सब के लिए अलग अलग नियम कानून होते हैं। जैसे कि हिंदू है तो हिंदू के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ठीक है ना। मुस्लिम के लिए मुस्लिम मैरिज एक्ट 1955, ठीक है ना। उसके बाद जैन के लिए 1955, समझ रहे हो ना। इस तरीके से हर रिलीजन के लिए अलग अलग तरीके से ये एक्ट बनाया गया है और उनको अलग अलग तरीके से इसमें बेनिफिट दिया गया है। लाइक डेट अगर मैं मुस्लिम मैरिज एक्ट की बात करूं तो इसमें एक सेक्शन दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप मुस्लिम हैं और मुस्लिम वुमेन से शादी करते हैं और उसके बाद आप तलाक देते हैं, ठीक है ना, आपने डिवोर्स दे दिया उन्हें, तो डिवोर्स देने के बाद क्या करना है कि आप इन्हें किसी भी तरीके का भविष्य में फाइनेंशियली रूप से सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा इनके एक्ट में लिखा हुआ है। जब साहबानो जजमेंट में आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा तो उसमें मैं बताऊँगा कि वहाँ पे मुद्दा ही फाइनेंशियली सपोर्ट का बन गया कि जो जो महिला है वो डिमांड करने लगी कि उनके पति उनके लिए फाइनेंशियली असिस्टेंट प्रोवाइड करवाना शुरू करें, यानी कि फाइनेंशियली रूप से उन्हें सपोर्ट करें, बिकॉज उनका एज इतना ज़्यादा हो गया है कि वो कहीं पर भी जाके कमा नहीं सकती है। जो उनके हस्बैंड है उन्होंने बहुत सारी बातें कही और कहा कि देखो साहब, ऐसा है कि हमारा एक्ट ही अलाउ नहीं करता है कि हम आपको किसी भी तरीके का कोई भी फाइनेंशियली सपोर्ट दे आफ्टर डिवोर्स, ठीक है ना। अगर हमने सपोर्ट दे दिया तो हम अपने लॉ को ही वायलेट कर लेंगे। तो वहाँ पे एक आता है कि यूनिवर्सल कोई लॉ होना चाहिए जो हर एक रिलीजन पे लागू होना चाहिए और वो एक समान होना चाहिए। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो यही है
कि चाहे आप किसी भी रिलीजन को हो, किसी भी धर्म को हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये नियम हर व्यक्ति पे लागू होगा, हर कम्युनिटी पे लागू होगा, हर रिलीजन पे लागू होगा और एक समान लागू होगा। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट की मैं बात करूं तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कहता है कि अगर आपने शादी किया है और शादी करने के बाद आप डिवोर्स देते हो तो डिवोर्स देने के बाद गाइस आपको उनको फाइनेंशियली रूप से सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर वो काम धंधे नहीं कर रही है तो किसी तरीके कोई भी उनके पास जॉब नहीं है तो आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन वहीं पे मोहम्मदन यानी कि मुस्लिम मैरिज एक्ट में अलग हो जाता है, वो अलग तरीके की बात करता है कि भैया हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो हमारा लॉ अलाउ नहीं करता है। तो यहाँ पे देखो इसका अपोज होना शुरू हो गया है और वो भी कौन कर रहा है, जो अब मैंने बोला आपको अब मुद्दा समझ में आ जाएगा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने इसका अगेंस्ट में, ठीक है ना, इसका विरोध किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। अब ये क्यों कर रहे होंगे अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यही वाला मुद्दा था जिसमें रोज रोज थोड़े मोड़े अपडेट्स आएंगे और आई होप कि आने वाले समय में मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना करके दे दूंगा, बिकॉज इसमें आर्टिकल डीपीएसपी का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 44, ठीक है ना, और वहीं से ये एसेंस मिलता है कि हाँ हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड बनानी चाहिए, बिकॉज यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होता है वो सभी के लिए एक समान होता है और इससे कहीं ना कहीं समाज में एक इक्वालिटी की भावना उत्पन्न होती है और हर व्यक्ति को एक नज़रिए से देखा जाता है। जैसे कि आर्टिकल 14 की मैं बात करूँ तो आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है ना। अब ये क्या है नहीं है इसके ऊपर हम लोग अगले वीडियोज़ में कभी बातचीत करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे का टॉप न्यूज़ देखते हैं। गाइज वीडियो कैसा लग रहा है, देखो गाइज इसको आप लोग पढ़ लेना क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ये वाला आर्टिकल आप पढ़ लेना, ये और ये भी पढ़ लेना, थोड़े मोड़े पॉइंट्स आएंगे आपके पास वो पढ़ लेना। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है इसके ऊपर हम लोग अगले वीडियोज़ में बात करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक रेट व्यू एंड शेयर करना मत भूलिएगा और इस लेक्चर को कंटिन्यू करूँ या बंद कर दूँ इसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा गाइज। थैंक यू सो मच एडमिन, जय हिंद।